गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरा ब्लॉग ये मिरर वीडियो करके मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी अभी मेरा रितु दीदी से बात हुआ है, रितु दीदी और अजमैन से। वो लोग ऑलरेडी कमकिया रेलवे स्टेशन में पहुँच गया अरुणाचल से। तो मुझे वो लोग के लिए जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अभी 5 बज गया ना, तो वो लोग 6 बजे तक पहुँच जाए। क्योंकि मेरा ये जो रेंट है, जो 6 बजे से को गेट जो खोलता है, तो वो लोग यहाँ पे 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे जल्दी वो लोग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है। क्योंकि वो लोग कल से शायद से, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ट्रेन वो सब जर्नी में नहीं खा पाती हूँ। तो इसीलिए मैं वो लोग के लिए जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दूँगी। और एक बात वो भी है कि मैं क्यों जल्दी प्रिपेयर करना चाहती हूँ। अभी तो सोच रहा हूँ कि टाइम ही क्या है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का ना, लेकिन मुझे वो लोग का आने के बाद मुझे यहाँ पे कुकिंग करके खाना नहीं करना है। मुझे वो लोग का साथ बहुत सारा देर सारा बातें करना है, इसीलिए मैं जल्दी प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद वो लोग खाना खा के रेस्ट करके फिर आज दोपहर को मेघालय की ओर निकल जाएंगी। तो आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पे मैं सभी को मिलाऊँगी, अजमेर, रितु दीदी, सकीना। तो आप सभी मेरा ये ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं आपको एक एक को मिलाऊँगी आज मेरा ब्लॉग पे। तो मैं अभी मुझे जल्दी से जल्दी वो करना है, प्रेसअप करना है। मैं बहुत ज़्यादा अनफ्रेश लग रही, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं सोया। मैं 3 बजे से सोती हूँ और वो लोग बोला कि कल बोल रहा था कि 4 बजे से तक पहुँच जाएगा। तो मेरा भी मन, जो वो लोग 4 बजे पहुँचेगा ऐसा ऐसा करके, मैं नहीं सो पाई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मेरा आँख में भी दिख रहा है मैं नहीं सोया बोल के। तो ज़्यादा बात नहीं करते और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी, मैं अभी नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। सभी लोग गले मिल लो, बस हमसे दूर रही। और इनका सबसे सुंदर हमको हेयर लगा भी, देखते वाह। सबसे पहले कैसे हैं? बहुत ज्यादा है। आपका घर ढूंढने के लिए उधर तक चला गया था। और ये लोग मेरा रूम पे आ गया और वो लोग पहुँचने का साथ साथ हम लोग इतना ज़ोर ज़ोर से हंस के बात किया ना, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बल्कि यहाँ पे है अजमैन और यहाँ पे है सकीना, ये लोग को ऐसा फर्स्ट टाइम मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला जैसा ही नहीं था। हम लोग पहले ऐसे ही जानते हैं जैसा नहीं था कि ये लोग का भाई भी इतना जैसे मेरा है वैसे ही था। अपना पूरा हल्ला गुल्ला शुरू, देखो हमको रीति दीदी क्या ला दिया। ट्रेन में पूरा दो दो खाया था और इसमें बचा हुआ है 3 में से आपको एक दे रही और दो लेके जाऊंगी जहाँ हम लोग जा रहे हैं फाइनल। आया कॉल की दिखाओ ना दीदी। दीदी क्यों बोल रहे हैं हम, जो आप जीतू बोल रहे हैं, लेकिन आपका ब्लॉग जो रितु दीदी ब्लॉग दीदी ब्लॉग के हिसाब से हमको सब लोग ऐसे ही बुलाते हैं। हमको देखो ना इतना लग गया। ओह माय गॉड, अभी खाइए आप, खाने मिल रहे ना हमको आज, भी खिलाऊंगी आपको अभी। इसमें वो था क्या, अंदर में बनाना डाला है इसमें। बनाना हाँ हाँ, वो खुशबू आता है ना उसका पत्ता का, और वो बनाना का जो फ्लेवर है ना उसका, खाइए। सरप्राइज कुछ नहीं, हम जो मेरा किचन गार्डन आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें सबरिंग है। अच्छा आ जाओ, हमें हम दिखाएगा मेरे सबरिंग को। ये मसाला भी हम लोग खाते, उस दिन जो क्रेप का मैं चटनी बनाई थी ना, उसमें ये वाला मसाला डाला था। नमसा है वो सब, मैं चांगलांग उसमें बहुत यूज करते हैं। किसका नाम क्या कुछ है अलग से, इसका नाम तो पता नहीं है हमको, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है मछली में ना। इसको आप मछली में बॉईल करके डालिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला। तो ये आप लोग हमेशा यूज करते हैं ना, ये सबरंग तो हम लोग का बहुत ही फेवरेट है सबरंग। ये मेरे मम्मी लगा के गया था ना लास्ट टाइम। अच्छा। यहाँ में लगाया था, इसका पूरा निकालने लगा हम यहाँ पे पैक दिया ना सबको। देखो ये अच्छा से निकाल गया है, इसका जब भी उसका सीट निकलेगा ना फ्लावर, फिर उसको रखिए। रितु दीदी वो ऐसे बाहर में देखने से मतलब हाँ अनफ्रेश जैसा लगता है, लेकिन असली में बहुत सुंदर है। हाँ हाइट भी बहुत लंबी है, हम तो ऐसा नहीं ऐसा होगा नहीं सोचा था, मेरा बराबर का होगा सोचा था, लेकिन बहुत लंबी है। हाँ। और यहाँ पे इनकी का और अजमैन हैंडसम हैंडसम रोटी इसीलिए नाम रखेगी, कम से कम बोल के बोले आप हैंडसम है ना।
और ये एक आइडिया रखिए, ये वाला हैंडसम रोटी वाला चैनल किसी का भी नाम नहीं होगा, इस तरह से हैंडसम रोटी ब्लॉग नाम रखेगा, कोई मिलेगा तो बोलेगा अब हैंडसम हैंडसम है ना सच में। बनाने के लिए देखो रितु दीदी का चटनी फाइनली खाने मिल रहा है। हम देखो देखो हम पूरा पैक कितना बार पैकिंग करके लाया है, क्योंकि ये ना थोड़ा स्मेल आता है, हम लोग को तो अच्छा लगता है। इसी दूर बोलते हैं ना आप लोग, ये सूरीमास है। सूरीमास ना, सूरीमास। अच्छा देखो ना फाइनली खाने मिल रहा है इसका, हमेशा इसका चटनी आम कमेंट्स करना लोग बोलते हैं ना, हर चीज में आप लोग सिदोल डालते हैं हर, ये लोग रितु दीदी लोग का क्या है ये जो मसाला ना, देखो ना खाने मिल रहे आज। आज दिखाती हूँ ये क्या क्या बना के हमको खिलाता है यहाँ से, मैं आपको बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। हाँ अभी मेरा किचन को रितु देवी टेक ओवर कर लिया। यहाँ मैंने बेम्बू शूट को ऑलरेडी बॉईल कर दिया, बॉईल करके इसका जो पानी होता है ना एकदम कैसे निकालता है येल्लो येल्लो, उस पानी को मैंने फेंक दिया, तो ये नया से दिया है पानी, और ये ड्राई फिश को अच्छे से धो के रखा, अब ये जाएगा यहाँ पे ड्राई फिश। इसके साथ फिर दूंगी मैं यहाँ से नमक, हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि हम लोग हल्दी नहीं खाते और बॉयल में डालना भी नहीं चाहिए। अच्छा देखो, और इसमें थोड़ा सा मिर्च ऐसे डाल देंगे, कौन सा किंग चिल्ली है और वो छोटा वाला है मेरे छोटा वाला ऐसे टुकड़ा करके डाल देगा ना, वो जो बर्ड आई चिल्ली है ना। हाँ हाँ वही वाला जो चिल्ली डाल रहे हैं रितु दीदी ब्लॉक्स, जो इसमें जो है कूट के नहीं डालूंगी, ऐसे काट के हो जाएगा। अच्छा कितना पीस डाला आपने इसमें चिल्ली? तीन चिल्ली डाला है बस। अच्छा नहीं, ये और ये ड्राई फिश का ना एक स्मेल भी नहीं आता है, दूसरे लोग का बहुत स्मेल ही होता है ना। दूसरा वाला बहुत स्मेल आता है, इस वाले में स्मेल बहुत ही कम है। अच्छा सब्जी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। हाँ सबसे पहले बेम्बू शूट को पकाया है मैंने, उसके बाद बीन्स को डाला है, क्योंकि बेम्बू शूट जो थोड़ा हार्ड होता है इसलिए उसको तो थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है, उसके बाद बीन्स डाला है। तो अभी जाएगा ये खुशबूदार वाला पत्ता, ये खुशबूदार वाला पत्ता लास्ट में डाला जाता है, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा होता है, इसको मिर्चिंग का पत्ता बोला जाता है ना। हाँ 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 आसामी में बोलते हैं ना मिर्चिंग का पत्ता ना, सेजवन लीव्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, क्या लीव्स सेजवन सेजवन सेजवन। हाँ अच्छा, तो ये आज का सब्जी एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन दिखने वाला है मेरे हाथों से बनाया हुआ, रितु दीदी का हाथ से बनाया वाला सब्जी। देखो आज हम दोनों साथ में किचन शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक्चुअली। ये देखिए लगभग हो ही गया ये सब्जी, बन गया थे, अभी हाथ से पूरा पकड़ के जला रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए यानी ऊपर में पकड़ने के लिए, ऐसे ही जलाते हैं घर में भी हम। सुपर वुमन बन गया देखो ना, ऐसे आग से भी गर्म नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं इसका इसके लिए चिल्ली भून रही हूँ, और ये ला टोमेटो चटनी बनेगा ना। हाँ हाँ टोमेटो चटनी बनेगा इसी से। यहाँ पे दाल और ये बना है, और यहाँ पे है मटन, और यहाँ पे रितु दीदी ब्लॉग्स का वो चटनी बनाने वाला, और ये मेरा, और ये टमाटर चटनी वो सीतोल के साथ, सीतोल नहीं सूरीमास के साथ, उसमें मास दिए। और यहाँ पे सकीना सुंदरी, और वहाँ पे अंजिका, और यहाँ पे हैंडसम अजमेर। नहीं नहीं रानू नहीं है, बहुत सुंदर है। हाँ वो जो देखो ना जस्टिफाई नहीं करते कैमरा, और हाइट भी बहुत लंबी है लड़की ना। आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम लाइव में देखा, तो इन पर्सन में देखा एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हम लोग का पटिया खाना खाने वाला है, मेरा रूम जो स्टूडेंट रहते हैं, मेरे पास टेबल डाइनिंग टेबल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बिठा रही हूँ ये लोगों को। तो दोस्तों मैं अभी सो के होती हूँ, मैं एक्चुअली कल रात से नहीं सोई थी अच्छा से, क्योंकि वो लोग 4 बजे पहुँच रहे था ना, और वो लोग के लिए मुझे वो करना था, ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो ऐसा करके आज होल डे मैं पागल की तरह ऐसे ही था, मेरा शक्ल में भी दिख रहा था, वीडियो में भी दिख रहा है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो मुझे इतना भी कैमरा का आगे बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरा चैनल को प्यार देते रहिएगा। एक्चुअली मैं अभी कैमरा का आगे कैसे बात करना है वो भी मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे प्यार बरसाते रहने से शायद से मैं इम्प्रूव हो जाऊँगी, इसलिए मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे बहुत सारा प्यार आप लोगों का ज़रूरी है, मुझे सब आप लोगों का सबका सपोर्ट ज़रूरी है मुझे भी,
इसीलिए मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है। थैंक यू मेरा वीडियो को देखने के लिए।